विराट कोहली आपको बहुत ज्यादा मिस किया जाएगा, वी विल रियली रियली मिस यू। इतनी जल्दी तो हमें छोड़ के मत जाएं आप। अगर विराट और रोहित शर्मा पाकिस्तान में इनके स्टैचू भी बन जाएं, लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। विराट कोहली की स्लेजिंग, उनके ग्राउंड में जो मस्तियां और जो अग्रेशन है उसको मैं मिस करूंगा। रोहित शर्मा है, उनके छक्के, उनके चौके, उनका अग्रेशन जो मैंने इन मैचेस में देखा है, मैं वो मिस करूंगा। मैं इंडिया 17 सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने गल लेके चला गया और ये विराट कोहली की वजह से पॉसिबल है। विराट कोहली का जाना T20 वर्ल्ड कप से दुख तो दे रहा है, लेकिन विराट कोहली का जो रिग्रेट था ना वो नहीं रहा। अब विराट कोहली बड़ा टूर्नामेंट, बड़ी ट्रॉफी, बड़ा चैंपियन बन के जा रहा है। द बिग प्लेस परफॉर्म एट बिग स्टेजेस। तो कोहली इज नो डाउट अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही वंस अगेन शोड दैट व्हाई ही इज नोन एज विराट कोहली। और यही हम देखें तो जब T20 वर्ल्ड कप था पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जो हम हार गए थे अनफॉर्चुनेटली, उसमें भी 3 ओवर में 42 रन चाहिए थी और कोहली ने बना दिए। रोहित और विराट की वजह से इंडिया टीम सजती है, प्यारी लगती है। सर, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट को खैरबाद बोल दिया है, कैसी क्या फीलिंग है आपकी? यार सीधी सी बात है, विराट कोहली ने कहा था मैं कोई रिग्रेट नहीं छोड़ूंगा, उसने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ले ली है, वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके अब जो है क्रिकेट को खैरबाद भी कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जिता दिया है, इंडिया के विराट कोहली की वजह से आज T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुका हुआ है। अब सारी टीमें सिर्फ इंडिया की तरफ देख रही है, तक रही है और इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने घर लेके जा रहा है सिर्फ विराट कोहली की वजह से। जैसे जैसे परफॉर्मेंस दिया, आज विराट कोहली का 76 स्कोर ना होता इंडिया यह ट्रॉफी नहीं जीत सकता था। आज विराट कोहली ने जीत के बताया कि परफॉर्म कैसे करते हैं पूरे मैचेस के अंदर। रोहित शर्मा ने जितना विराट कोहली को सपोर्ट किया ना किसी को नहीं किया होगा, यह है कैप्टन। उसने कहा था विराट कोहली को तू खेल तू जीतेगा। विराट कोहली ने कहा, खेला, वो लड़ा और आज विराट कोहली ने फाइनली बड़े मैच के फाइनल के अंदर आगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर आगे परफॉर्म करके इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया और इंडिया इस टाइम सब टीमों से बड़ी टीम बन गया। 20 टीमें थी, इंडिया सारी टीमों को पछाड़ के सबसे बड़ी टीम बन चुका हुआ है। इंडिया 17 सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने गल लेके चला गया और ये विराट कोहली की वजह से पॉसिबल है। विराट कोहली का जाना T20 वर्ल्ड कप से दुख तो दे रहा है, लेकिन विराट कोहली का जो रिग्रेट था ना वो नहीं रहा। अब विराट कोहली बड़ा टूर्नामेंट, बड़ी ट्रॉफी, बड़ा चैंपियन बन के जा रहा है। वो लेजेंड, वो सितारे जिनको हम देखने के लिए तरसते थे, जिनकी एक एक पिक्चर के लिए हम तरसते थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा किंग है दोनों यार, दोनों एक दूसरे से बढ़ के हैं। और यकीन जानिए, जैसा कि विराट कोहली चल नहीं पा रहे थे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान था। अगर आज भी ना चल पाए, बाद में रिटायर हो गए, तो हम हमेशा तरसते रहेंगे उनके सिक्सर के लिए, उनके फोर्थ के लिए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, आज के मैन ऑफ द मैच भी वो रहे हैं और उन्होंने ही मैच को विन करवाया। लेकिन हम हमेशा उनको मिस करेंगे, हमेशा उनको याद करेंगे, बल्कि मैं यही कह सकता हूं कि हम उनके मैच बार बार रिपीट करके देखेंगे। देखिए कितना अजीब लगेगा जब टीम इंडिया में ना विराट होगा ना रोहित होगा, T20 में उतरेंगे, लाइक मज़ा नहीं आएगा। मैं ये समझता हूँ कि है तो सब प्लेयर्स एक दूसरे से बढ़ के हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो ये हमारा परचम है वो चांद सितारे थे सजता है, वही चीज़ वो उनमें है। रोहित और विराट की वजह से इंडिया टीम सजती है, प्यारी लगती है। हाँ, ये था कि कोहली एक बड़ा नाम था, उसके फैंस को लेके हम खुद कोहली के फैन रहे हैं और उसकी गेम रही है और उस बंदे में वो एबिलिटी रही है कि पहले वो स्टार्ट में स्लो खेल के आए, लास्ट पे जाके अगर 3 ओवर में 40 रन पड़े हो तो वो बना सकते हैं। तो जितना बड़ा जो विराट कोहली का फेयरवेल हुआ है, लाइक देखे T20 से खैरबाद भी बोल दिया है, अभी टीम को वर्ल्ड कप भी जितवा दिया, पूरे वर्ल्ड कप में स्कोर नहीं किया, आज 76 कर लिया। यही तो हम कहेंगे द बिग प्लेस परफॉर्म एट बिग स्टेजेस। तो कोहली इज नो डाउट अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही वंस अगेन शोड दैट व्हाई ही इज नोन एज विराट कोहली। और यही हम देखें तो जब T20 वर्ल्ड कप था पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जो हम हार गए थे अनफॉर्चुनेटली, उसमें भी 3 ओवर में 42 रन चाहिए थी और कोहली ने बना दिए। दैट मीन कि उस बंदे के पास वो एबिलिटी है कि लास्ट में जाके अगर आपको 14-15 रन पर ओवर के एवरेज से चाहिए हो तो वो बना सकते हैं, और आज भी उसने यही किया। जब स्टार्ट में विकेट गए उसने स्लो खेला, रन है बॉल खेला और लास्ट में जाके फिर उसने दिखाया कि व्हाट कोहली कैन डू, शॉट्स भी मारे, कुछ बाउंड्रीज भी आई और मोर ओवर के वर्ल्ड कप जीते। और वर्ल्ड कप आज का मैच बहुत ही आप कह लें कि अनबिलीवेबल मैच था, बिल्कुल लग नहीं रहा था इंडिया जीतेगा, कभी लगता था साउथ अफ्रीका जीतेगा। और 15th ओवर के बाद तो यही था कि यार अफ्रीका यू हैव डन इट, अ लिटिल मोर थिंग टू पुल द वर्ल्ड कप टू योर कंट्री, टू योर साइड। और यहाँ पे हम इंडिया को आप कह लें कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की, इंडिया की जो टीम वर्क की, हम बहुत ही आप कह लें कि उनको अप्रिशिएट करना होगा कि कैसे उन्होंने इसको हैंडल किया। और बुमराह की ओवर स्पेशली अर्शदीप के, वहाँ पर फील्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी की और कोहली के
एक तरह से रहेगा कि यार कोहली को देखना एक बड़ा नाम था। हमेशा जब कभी भी हम चाहते थे कि ऐसी गेम हो तो उस बंदे ने ऐसी गेम की है, लेकिन ये है कि जो बड़े बड़े प्लेयर जिससे पहले भी थे एबी डिविलियर्स, वो मतलब अब हमेशा तो नहीं खेलेंगे, आने वालों के लिए भी तो आपने एक अपॉर्चुनिटी छोड़ के जानी होती है। और ये कि एक अच्छा एंड था, जब भी उसका पीक टाइम चल रहा था उसी के अंदर उसने रिटायरमेंट भी ली और मोर ओवर के वर्ल्ड कप विनर थे। इवन विराट कोहली भी बहुत सारे स्टेटस भी देखते हैं जब आता है यहीं तक था सफर अपना, लाइक क्या कितना अजीब लगेगा ना, हमें बहुत सारे यहाँ पे लड़के मिलते जो कि टीम इंडिया के फैन के साथ साथ ज़्यादा वो विराट कोहली के फैन है, जब विराट कोहली के बगैर टीम इंडिया टी ट्वेंटी में उतरेगी थोड़ी अजीब नहीं लगेगी? सम होगी, एक फील रहेगी कि विराट कोहली जो है मिसिंग है। पहले ये था कि किसी एक आध मैच भी नहीं खेल रहे, अभी ये है कि परमानेंटली वो मिसिंग है। लेकिन क्योंकि आईपीएल है, बाकी लीग्स हैं इंडिया में, उनकी जो लोकल लीग्स भी हैं, तो दैट मीन कि विराट कोहली तो आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, टी20 फॉर्मेट में भी दिखेंगे, आईपीएल में तो डेफिनेटली हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने तो पाकिस्तान जरूर एक दफा आएंगे, क्यों मानते हैं? जी जी, ये तो हम डेफिनेटली हम चाहते हैं यार कि वो यहाँ पे एक आए। बहुत सारे फैंस हैं और अगर हम वैसे भी देखें तो मतलब हम लाइव देखना चाहते हैं यार कोहली को, वो बंदा कैसे बैटिंग करता है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो हमारे कह ले कि बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल रहेगा हमारे लिए कि कोहली आए और पाकिस्तान में आके बैटिंग कर रहा हो। देखिए, एक ना एक दिन तो सबने रिटायरमेंट लेनी होती है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि उन जैसे प्लेयर्स को हमें दोबारा देखने के लिए एक पहले अपने दिल को उसके लिए एग्री करवाना पड़ेगा, दिल को, और एक उनको पूरी एक पेस बनानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि उनकी जो स्पेस है वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, उनकी जगह हमेशा खाली रहेगी और वो हमारे हमेशा दिलों में रहेंगे। कि जब ODI, T20 और कोई भी सीरीज़ हो, उसमें जब भी आप टीम इंडिया उतरेगी तो उसमें विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं होंगे तो मुझे तो इनकम्प्लीट लगेगी वो टीम। मैं समझता हूँ कि उनकी होना एक खुशी का बाइस था मेरे लिए। मैं उनके बगैर टीम को इनकम्प्लीट देख रहा हूँ और वो कभी भी जगह पूर्ण नहीं हो सकती। देखिए, हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं विराट और रोहित के बगैर टीम इंडिया उतर रही है, लाइक हमें तो समझ ही नहीं आती यार। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो सिर्फ विराट की बैटिंग देख रही है, टीम इंडिया के मैच देखते हैं। देखिए, एक ना मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि इंडिया जो क्रिकेट है ना वो हमेशा कम्प्लीट ही इन दोनों के साथ होती है। एक ना खेल रहा हो तो एक जरूर खेल रहा होता है, तो आपको आसरा होता है कि यार ये इसकी आप ना एक अंदर से आपको ना विल होती है कि यार आज इंडिया जीतेगा, क्योंकि आपके साथ जो दो बड़े नाम हैं उनमें से कोई एक भी जो, अगर आपके उन दोनों में से कोई दोनों नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो आपका वो इंटरेस्ट नहीं होगा मैच देखने का। देखेंगे लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपकी उम्मीदें उस तरह से नहीं लगाएंगे टीम के जीतने के साथ जो पहले लगाते आए हैं। टीम इंडिया फुल ऑफ प्लेयर्स के साथ है, लेकिन जो विराट कोहली और रोहित शर्मा उनकी स्पेस को मैं समझता हूँ कि दुनिया इधर से उधर हो जाए कभी पूरा नहीं करता। अब चाहिए कि विराट कोहली के नाम का कुछ ना कुछ स्टैचू बना दिया जाए, विराट कोहली को कोई स्टेडियम उसके नाम पे गिफ्ट करते जाए, कोई एयरपोर्ट बना दिया जाए विराट कोहली का, और इंडिया का कोई सुबह वो विराट कोहली के नाम पे मैं कहता हूँ डिवाइड कर दिया जाए, कर देना चाहिए। जैसे यूएसए में विराट कोहली का स्टैचू लगा, ऐसे पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो इंडिया का स्टैचू है उससे बड़ा विराट कोहली का स्टैचू लगा दो, क्योंकि विराट कोहली की वजह से आज इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीता है। तो रिग्रेट किस चीज़ का है? बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है, विराट कोहली के जाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि खुशी है विराट कोहली बड़े मैच के अंदर बड़ी परफॉर्मेंस देकर जा रहे हैं। मैच देखना छोड़ देंगे, उसकी रीज़न ये है कि मैं वेरी सैड, मुझे पता है कि मैं अभी इमोशनल ना हो जाऊं। यार विराट कोहली यकीन करें इस तरह फील होता था जैसे वो हमारा भाई है, जब भी वो मैच खेलते थे हम खुश होते थे, मेरी पूरी फैमिली देख के, मेरी वालदा उनके लिए दुआएं करती थी, हालांकि देखे वो नॉन मुस्लिम है लेकिन हम दुआ करते थे कि कभी इन पर बुरा वक़्त ना आए। तो मुझे, मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, मैं आपसे बात भी शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है विराट कोहली से हमारी ऐसी मोहब्बत थी जैसे कि वो हमारे साथ बैठ के खाना खाते थे, क्योंकि यार वो है इस काबिल थे। विराट एक इमोशन बन गया हुआ है यार, फीलिंग बन गया हुआ है विराट, क्रिकेट को छोड़ के जाए। विराट, मैं यही कहना चाहता हूँ, विराट ना जाओ आप यकीन करें, आपका ग्राउंड में बैठ जाना ही कमाल है। रोहित शर्मा आपका एज अ कैप्टनसी आपका ग्राउंड में आ जाना ही कमाल है, ठीक है। हमारी ये रिक्वेस्ट है यार, आप जैसे नगीने पाकिस्तान आ जाएं, हम इस काबिल तो नहीं हैं कि हम आपको अफोर्ड कर सकें, हम आपको रिस्पेक्ट दे सकें जो हमारी वैल्यू है इस वक्त खुद की, लेकिन आप अगर यहाँ आ जाएं ना, यकीन करें यहाँ रोहित का और विराट का स्टैचू बना के ना लोग उनसे प्यार करते, उनको हाथ डालते, जैसे मूसेवाला का इंडिया में स्टैचू बनाया गया उनको हाथ डाले जा रहे हैं, अगर विराट और रोहित शर्मा पाकिस्तान में इनके स्टैचू भी बन जाए लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते। विराट कोहली की स्लेजिंग, उनके ग्राउंड में जो मस्तियाँ और जो अग्रेशन है उसको मैं मिस करूंगा। रोहित शर्मा है, उनके छक्के, उनके चौके, उनका अग्रेशन जो मैंने इन मैचेस में देखा है मैं वो मिस करूंगा। मैं वो किसी प्लेयर में अगर देख नहीं रहा हूँ, कोई बनेगा तो तब बनेगी। विराट कोहली आपकी बात मालूम, उनके को यार एक दो साल और खेल लो यार। देखिए, मेरे कहने के ऊपर अगर रुक सके तो मैं तो अभी है कहने को तैयार हूँ, विराट कोहली आप रुक जाए प्लीज, और कुछ हमारे थोड़ा सा और एंटरटेन कर दें इन मैचेस के अंदर,
और आने वाले मैचेस के अंदर प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप और मैचेस खेलें। अगर हम रिसेंट टाइम में क्रिकेट जो T20 क्रिकेट की अप्रोच है, जैसे इंग्लैंड खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, उस हिसाब से हम देखें तो वो जो अपने यंगस्टर्स हैं या उनके जो स्ट्राइकर बैट्समैन हैं, जैसे मैक्सवेल है, अभी टीम डेविड आ गए उनके पास, कैमरन ग्रीन आ गए, और इंग्लैंड की तो टोटल जो अप्रोच है वो तो आपने 100 लीग में और वहाँ पे देखी है, टोटल यंगस्टर्स लेके आए हैं। बटलर है, वो स्ट्राइकर है, फील साल्ट है, आप उनका IPL में देखें, बाकी लीग्स में देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें, तो उनका जो स्ट्राइक रेट है मिनिमम 150 है ओवरऑल जो है। तो उस हिसाब से तो हम कहेंगे कि कोहली ने एक अच्छा करियर खेला है T20 में, लेकिन अभी जो आप कह लें कि एक जो आप कह लें कि अप्रोच जो है वो चेंज हो रही है, एक माइंडसेट चेंज हो रहा है, और उसमें जो कुछ यंगस्टर्स जो हैं वो आजकल, क्योंकि एक छोटा शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें आपको टेम्परमेंट नहीं चाहिए होता है, इसमें ये चाहिए होता है कि आपको जो बैट्समैन है वो आए, अगर वो 30 रन भी करते हैं, अभी इसी वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच में इंग्लैंड को अब 200 प्लस किया, और उसमें जो मैक्सिमम रन थे एक प्लेयर के वो 39 थे, इट मीन्स कि जिसने 30 भी किए हैं वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से तो हम देखेंगे कि T20 क्रिकेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।